तो वेलकम बैक यार भाई लोग। फाइनली यार कार पार्किंग मल्टीप्लेयर 2 रिलीज हो चुका है और आज आप लोग इसको प्ले करने वाले हैं। लेटर यार इस गेम के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था, तो चलो यार गेम मैच लोग गेम पे फोकस करते। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई CPM 2 का ग्राज काफी ज्यादा बड़ा है, मतलब जो अपना CPM 1 गेम था ना उसका ग्राज तो काफी ज्यादा छोटा था। तो चलो अभी अपन लोग इसमें कार्स वगैरह देखते हैं। कार्स मतलब यार कुछ कार्स कॉमन है जो CPM 1 में थी वही CPM 2 में, बाकी कुछ मतलब कुछ परसेंट 20-25% कार न्यू एड हुई होंगी। और टोटल कार के बारे में बात करें इसमें टोटल कितनी है, 153 टोटल कार है, ठीक है। लेकिन यार एक चीज मेरे को यहाँ पे बहुत गलत लगी भाई, लिटरली सिर्फ 15-20 गाड़ी है और बाकी सारी प्रीमियर में डाल दी है। 15-20 गाड़ी मतलब जो आप लोग खुद से परचेस कर सकते हो, डॉलर से परचेस कर सकते हो। प्रीमियम मतलब जो गोल्ड, गोल्ड ऐसे नहीं मिलेगा, शायद गोल्ड आप लोग को रियल पैसे से परचेस करना पड़ेगा भाई। ये चीज़ मेरे को बहुत गलत लगी, जो CPM 1 गेम था ना उसमें तो यार बहुत बढ़िया बढ़िया लग्जरी गाड़ी डॉलर में मिलती थी, लेकिन इसमें प्रीमियर करके कर दिया भाई, ये चीज़ तो सही नहीं है। मतलब यार सही तो ठीक है, वो अपनी जगह सही है, गेम वाले भी अर्न करेंगे, लेकिन कुछ गाड़ियाँ तो रखनी चाहिए थी यार प्रीमियम वाली जो गोल्ड में मतलब परचेस कर सकते हो। फाल ये प्राइस बहुत हाई कर देते, मतलब एक दो गाड़ी तो रखनी चाहिए थी। अभी यार मैंने सबसे पहले गेम लॉग इन किया था तो सबसे पहले मेरे को $25,000 मिले थे, तो उससे मैंने एक मतलब लोकल गाड़ी परचेस कर ली। फिर मैंने पार्किंग लेवल कंप्लीट करे $60,000 मतलब अर्न करे थे, तो भाई मेरे को ये गाड़ी दिखी। अब इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन ये दिखने में मेरे को बढ़िया लग रही थी, इसलिए मैंने इसको परचेस कर लिया। $50,000 की थी और इससे बढ़िया मेरे को कोई भी गाड़ी नहीं लग रही, और $60,000 तक ही गाड़ियां हैं, बाकी सब प्रीमियर गाड़ियां हैं। और भाई ये तो मेरे को सही लगा। चलो यार अभी अपन लोग यहाँ पे देखते हैं, मतलब मेरे को तो सही नहीं लगा, एक दो गाड़ियाँ तो रखनी चाहिए थी। और यहाँ पे सिटी भी मतलब एक दो सिटी न्यू ऐड है, जैसे जो जापान वाली सिटी ना ये न्यू ऐड हुई है, और ऑफ रोड एरिया भी न्यू ऐड हुआ है, और बाकी मैप इसका सेम ही है। मतलब आप लोग बोल सकते हो आधा मैप न्यू ऐड हो गया और आधा मैप वही पुराना मैप है। तो चलो देख लेंगे अपन लोग जापान सिटी कैसे होने वाली, ऑफ रोड एरिया कैसा होने वाला है, इसको अपन लोग अभी देखते। सबसे पहले मैं सिटी 2 में चलता हूँ, ठीक है। आई थिंक ये सिटी 2 वही होने वाली जो अपनी CPM 1 की सिटी है, बाकी फिर जापान वाला जो एरिया है ना वो न्यू ऐड हुआ होगा। हाँ डेजर्ट एरिया भी आई थिंक न्यू ऐड है, और वो ऑफ रोड एरिया भी न्यू ऐड है, और ग्राफिक्स वगैरह भी अपन लोग देख लेंगे। हाँ यार एक चीज़ आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लोग का ओल्ड डिवाइस ना तो मेरे जैसी प्रॉब्लम आप लोग को भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये गेम भी FPS वाला गेम होगा, मतलब कि पहले जो CPM 1 गेम था ना उसमें FPS वाला सिस्टम नहीं रहता था, तो उसमें भी FPS वाला सिस्टम आ गया। और भाई आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि ओल्ड डिवाइस में FPS अच्छे नहीं मिलते, मतलब कि आजकल जो न्यू डिवाइस आ रहे हैं ना उन्हीं में FPS मिलते। बाकी यार यहाँ पे आप लोग देखो मेरा गेम चल रहा है अल्ट्रा पर, मेरे को FPS आप लोग देख सकते हो कितने कम मिल रहे हैं, मतलब कि यार मेरे को समथिंग 15-20 FPS ही मिल रहा है, और इसका टोटल 70 FPS है हाईएस्ट आई थिंक, ठीक है। फिर भी यार बहुत कम FPS है, समथिंग 30 FPS तो मिलने चाहिए थे, 30-40 तो मिलने चाहिए थे। फिर अगर मैं अल्ट्रा करता, अभी मैं हाई पे खेल रहा हूँ, मैं इसको अल्ट्रा पे भी करके दिखाऊंगा, अल्ट्रा पे तो मेरा FPS 10 से नीचे चला जाता है भाई लिटरली यार। मतलब यार चलो कोई ना, उसको उस चीज़ को साइड में रखते, अभी अपन लोग गेम पे फोकस करते, मतलब सिटी में आ गए। चलो मैं आप लोग को एक काम करता हूँ, अल्ट्रा करके दिखा देता हूँ उसका ग्राफिक्स कैसा होने वाला, मतलब मैक्स करके दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा हल्का सा लैग सा मारता, मतलब लैग नहीं क्रैश वगैरह होता है। तो यहाँ पे आप लोग FPS देखो 5 पे आ गए, ड्रॉप हो गए भाई, क्या ही तो बताओ। और ग्राफिक्स आप लोग देख सकते हो भाई, कार की डिटेलिंग तो क्या ही लग रही है यार लिटरली। यहाँ पे आप लोग देखो भाई बहुत मस्त डिटेलिंग है कार की, और यहाँ पे आप लोग ग्राफिक्स भी देखो यार, कार की कांच के जो रिफ्लेक्शन वगैरह काफ़ी बढ़िया लग रहा है मेरे को तो। और बस यार मैं अभी ज़्यादा देर तक तो नहीं कर सकता इस चीज़ को, बिकॉज सर मेरा मतलब गेम क्रैश तो नहीं होता, लेकिन FPS ड्रॉप होते यार मज़ा नहीं आएगा आप लोग को खुद को देखने में। तो अभी मैं इसका ग्राफिक्स अल्ट्रा से हाई पे कर देता हूँ, हाई पे से ही चलता है, 15-20 FPS रहता है, काफ़ी बढ़िया चलता है। लेकिन इस वाली गाड़ी का इंटीरियर आप लोग देखूंगा, ये देखो भाई क्या मजा आ गया यार, मतलब क्या पता शायद मेरे में ऐसा हो रहा होगा, आप लोग बताना यार ये चीज़ मेरे को पता नहीं। मतलब ऐसा इंटीरियर तो यार लोकल गेम में भी रहता है भाई, ये चीज़ इंटीरियर मेरे को सही नहीं लगा, शायद मेरा नेटवर्क वगैरह कुछ स्लो होगा इसलिए दिखा रहा होगा। आप लोग इसका चेक करके जरूर से बताना कमेंट में। बाकी मैं सबसे पहले अल्ट्रा से हाई पे कर लेता हूँ। चलो अभी यार अभी अपन लोग फटाफट यार इसकी सिटी देख लेते हैं, फिर मैं जापान सिटी में घूमने वाला हूँ। और यार लेकिन एक चीज़ यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से एक चीज़ देखोगे ना, तो भाई इसमें मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ लग रही है, कार की डिटेलिंग देखो आप लोग, और इसका ग्राफिक्स वगैरह जो इस पर रिफ्लेक्शन पड़ रहा मेरे को वो चीज़ बढ़िया लगी भाई। और मतलब जो इन्वायरमेंट है ना, जो रोड है या फिर लेफ्ट साइड में जो पेड़ वगैरह है भाई, वो बिल्कुल CPM 1 जैसे भाई, मतलब फिर ग्राफिक्स उतने ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं लग रहा है मेरे को ग्राफिक्स में, सच बताओ। बाकी आप अपना ओपिनियन जरूर से देना यार भाई, मतलब यार मेरे को तो नहीं लगा उतना इंप्रूवमेंट ग्राफिक्स में भाई। कार्स की डिटेलिंग तो यार वो अधिकतर छोटे गेम में भी मिल जाएगी तुमको, लेकिन यार अदर जैसे कार एक्सिस्ट्रीट तो आप लोग ने खेला होगा फिर सुना होगा भाई, उसका तो जैसा आप लोग को पता है मैप कैसा रहता है, मतलब कार की डिटेलिंग तो सही है लेकिन मैप भी बढ़िया रहना चाहिए ना। और चलो देख लेंगे, मतलब CPM 2 में
आखिरकार क्या नया चीज़ है। मेरे को यार एक चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी, ग्राफिक्स, मतलब ऐसे ग्राफिक्स तो नहीं लगे, मतलब ये देखो जैसे कार वगैरह मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही, इनकी डिटेलिंग भी बढ़िया लग रही। और अभी मैं जापान सिटी में आ गया हूँ, यहाँ पे सही पता चलेगा ग्राफिक्स कैसा है इस गेम का, रियल ग्राफिक्स पता चलेगा। बाकी आप लोग यहाँ पे देखो जो इतना सा जो आप लोग को लेफ्ट नीचे साइड दिख रहा है ना, इतनी सी जापान सिटी और बीच में आप लोग को जो रोड दिख रही है ना बीच में, वो ऑफ रोड एरिया है। बाकी वही CPM बन का मैप डाल दिया, मतलब यार कुछ अलग करना था। मतलब CPM 2 तुमने इतना हाइप बनाया, और भाई अगर आप लोग इसकी रेटिंग देखोगे ना, लिटरली 3.5 की रेटिंग आई गिर के भाई, मतलब यार इस गेम में गेम वालों ने कुछ किया ही नहीं है। अभी आप लोग को एक चीज़ और दिखाऊंगा भाई, वो चीज़ भी मेरे को और ज़्यादा ख़राब लगी। मतलब यार इसमें बस मेरे को एक ही चीज़ लग रही, ग्राफिक्स इंप्रूवमेंट भाई। मतलब और सिटी भी ज़्यादा बढ़िया ऐड नहीं करी, जापान सिटी भी बहुत छोटी ऐड कर दी। मतलब यार फिर भी ठीक है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन यार थोड़ी बड़ी और सिटी ऐड करनी थी। वहाँ की यार जापान सिटी के ग्राफिक्स तो मेरे को ठीक लग रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देखो हाई ग्राफिक्स है, मतलब मैंने अल्ट्रा नहीं किया। तो यार जापान सिटी तो काफ़ी बढ़िया है, इसमें डिटेलिंग वगैरह है और ग्राफिक्स भी मेरे को ठीक ठाक लग रहा है जापान सिटी के। चलो यार थोड़ा आगे घूम लेते हैं, मतलब यार यहाँ पे अभी मैं रोड पे घूम रहा हूँ, हाईवे पे घूम रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं सिटी के अंदर चलते देखता हूँ, ठीक है, वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट होने वाला है, घर वगैरह कैसे है, तो अभी अपन लोग वो देख लेते हैं। और फिर अभी अपन लोग इसका ऑफ रोड एरिया भी देखने वाले। वाकई यार जापान सिटी के ग्राफिक्स मेरे को काफ़ी बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। लेकिन जो लेफ्ट साइड में जो पहाड़ वगैरह है ना, ये लोकल गेम के जैसे कर दिए भाई लोग ने, यहाँ पे थोड़ी और डिटेलिंग डाल देना तो बढ़िया रहता। बिकॉज आपको पता है भाई अभी तो कैसे कैसे गेम आ रहा है भाई, मतलब इतने तगड़े तगड़े गेम आ रहे हैं ना जिनकी कोई होड़ नहीं हो सकती भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल गेम आ रहा है भाई फ़ोन के लिए। और यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो, मतलब यार यहाँ पे आई थिंक यार मेरा FPS ड्रॉप हो रहा है, इसलिए तो नहीं ऐसा सिस्टम है, मतलब कि शायद इसलिए तो नहीं दिख रहा है मेरे को। ये जो लेफ्ट साइड में आप लोग एरिया देखो, मतलब पेड़ वगैरह सही है, लेकिन यहाँ पे जो पहाड़ टाइप का ना वो मेरे को सही से नहीं लग रहा। बाकी ठीक है, इंटीरियर का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आई थिंक मेरे को लग रहा है FPS से ये लफड़ा हो रहा है, ऐसा कुछ जो भी हो रहा है। चलो यार जापान सिटी में आ गए अपन लोग, चलो इसको फटाफट यार एक्सप्लोर करते हैं, मतलब कि इसके घर वगैरह देखते हैं कैसे होने वाले। और यहाँ से यार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं फाइनली जापान सिटी के अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पे घर वगैरह हैं, सामने दो घर है, और यहाँ से मैं सीधे अच्छा इस घर के अंदर ही मैं एंट्री मार लूँगा, चलो काफ़ी बढ़िया है। और इसमें यार घर वगैरह भी ऐड करें इसमें, मतलब यार आप लोग वहीं से परचेस कर सकते हो। और जापान सिटी में घर ऐड नहीं है, आई थिंक वो घर ऐड City 2 में है। हाँ, और मैं अभी गाड़ी से उतर चुका हूँ भाई, बढ़िया लग रहा है यार जापान सिटी तो काफ़ी बढ़िया लग रही है, लिटरली उतनी ज़्यादा गंदी भी नहीं है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। बाकी यार आप लोग अपना ओपिनियन देते जाना भाई, मैं तो कुछ भी बोले जा रहा हूँ, मतलब क्या जैसा मेरे को लग रहा है, जैसा मेरे को फील हो रहा है वही मैं आप लोग को बता रहा हूँ, लिटरली कोई झूठ वगैरह नहीं बोल रहा हूँ। और जापान सिटी भी मेरे को थोड़ी बढ़िया ही लग रही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और ग्राफिक्स वगैरह भी ठीक है। और अभी अपन लोग देखने वाले इसमें नया क्या ऐड किया है, मतलब देखो CPM 1 है तो CPM 2 में क्या नया CPM 1 से होने वाला है। तभी मेरे को सिर्फ एक चीज़ देखने को मिली है, जो है जापान सिटी, ठीक है, वो भी ठीक ठाक, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल तो नहीं लगी मेरे को, लेकिन यार फिर भी ठीक ठाक लग रही है जापान सिटी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो चलो यार अभी अपन लोग यहाँ से निकलते हो, अभी मैं आ गया ऑफ रोड एरिया पे, और ये अपना ऑफ रोड एरिया है। ऑफ रोड एरिया कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, जैसे कि मैं आप लोग को मैप खोल के दिखाया था ना, यहाँ पे आप लोग फिर से देखना, मैं मैप खोल के दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जो एक बीच का जो रास्ता दिख रहा है ना, ये बस एक इतना ही ऑफ रोड एरिया है, इससे ज़्यादा बड़ा ऑफ रोड एरिया नहीं है। और नीचे कर दी जापान सिटी, और वहाँ की वही पुराना मैप कर दिया, ठीक है। और अभी आप लोग को मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा जो मेरे को सबसे ज़्यादा गंदी लगी, जी हाँ वाले इस मतलब इस गेम में जो सबसे ज़्यादा मेरे को गंदी लगी वो अभी आप लोग को आगे बताने वाला हूँ। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना, जो आप लोग को बता रहा हूँ पार्किंग लेवल भाई सेम रख दिए भाई पार्किंग लेवल, यहाँ पे देखो मतलब यार गाड़ी वगैरह भी नहीं चेंज करी यार उन लोगों ने, मतलब एक दो गाड़ी चेंज करी है। मैं सबसे पहले ग्राफिक्स लो हाई पे कर लेता हूँ अल्ट्रा से। अब यहाँ पे देखो, मतलब यार जो पार्किंग लेवल CPM 1 में थे ना, वो CPM 2 में कर दिए। यहाँ पे आप लोग देखो, ये पार्किंग मैंने सारी कंप्लीट करके रखी CPM 1 में, बस कुछ मतलब समझो 10 में से 2-3 पार्किंग लेवल में कार बस चेंज करी है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। अगर मतलब यार देखो ऐसा नहीं बोलेंगे गेम बुरा है, गेम काफ़ी बढ़िया है, और अपन लोग तो भाई गेम खेलते गेमर आप लोग बोल सकते हो, अपने लिए सारे गेम बढ़िया है, लेकिन यार कुछ अलग होना चाहिए ना CPM 1 से CPM 2 में, जो कि इस CPM 2 में मेरे को कुछ भी अलग नहीं लगा भाई साहब। जापान सिटी तुमने ऐड कर दी, उससे क्या होगा यार, कुछ अलग चीज़ तो करनी चाहिए थी। और यार सही बताओ ना, तो आप लोग ग्राफिक्स आप देखो भाई कहाँ अच्छे लग रहा है भाई, लाइट राइट साइड में आप लोग देख सकते हो भाई, मतलब यार हाई पे करूँगा फिर भी नहीं, ग्राफिक्स भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रहे हैं, मतलब ठीक ठाक ही बोल सकते हो आप लोग, ग्राफिक्स एवरेज ग्राफिक्स बोल सकते हो। बाकी यार FPS तो आप लोग बस एक ही चीज़ बता देना, अगर मेरा बात सही है, अगर
FPS, हाई FPS में भी ऐसा ही हो रहा है, 70 से 80 FPS में, हाँ 70 FPS मिलते हैं इसके, 50-60 FPS में भी सेम ए सीन है। तो फिर दर मेरे को यार गेम ठीक ठाक ही लगा, मतलब ठीक ठाक भी नहीं लगा यार, मतलब वो CPM बनी बढ़िया इससे। बस हाँ एक ही चीज़ है, ग्राफिक्स इंप्रूवमेंट, जो कार्ड डिटेलिंग जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आई, मतलब CPM बन में इतनी कार्ड डिटेलिंग नहीं रहती थी, रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं रहता था, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है CPM 2 में। और यार गेम आप लोग का मैंने सारा प्ले करके दिखा दिया, और यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं यार भाई मैं अभी पार्किंग लेवल कर रहा हूँ जो मैं पहले कर चुका हूँ। और बाकी यार ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। ओनली 50 सब्सक्राइबर चाहिए और अपनी 1K सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।